तो दोस्तों, कितने लोग पूछते हैं कि दुबई आने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, दुबई में काम करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए, उम्र में आपका वीज़ा यहाँ लगेगा, कितनी उम्र के बाद आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आज इस वीडियो में यही बात पर डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूर आलम और आप देख रहे हैं नूर ब्लॉग्स। मैं पिछले 2 साल से दुबई में हूँ और मुझे जो कुछ भी जानकारी है मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप के पास सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करें वहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने की, यहाँ पर काम करने की कितनी एज है, तो मैं बताना चाहता हूँ। कितने लोग कहते हैं कि 13 साल, 15 साल या 18 साल, तो इसमें फिक्स साल है भाई। आपको 18 साल जब आपकी उम्र हो जाए तो आप दुबई में कहीं पे भी, सऊदीया में भी जा सकते हैं। और उसके सऊदीया में, दुबई में हूँ तो मैं दुबई का आप लोग को एक्सपीरियंस बताऊँगा, दुबई में क्या एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, दुबई का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं खुद जब 18 साल का हुआ था तब मैं यहाँ पर आया था। मतलब कि यहाँ पर रूल है, मैंने वेबसाइट पर सर्च भी मारा, आप सर्च मारोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कितनी एज लिमिट है, मतलब कि कितनी साल के में मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो पूरा आपको उस वेबसाइट पर आ जाएगा। तो मेरी जब 18 साल की उम्र थी तो मैं यहाँ पर आ गया, 18 साल 2 महीना 3 महीना ऊपर ही था तब मैं यहाँ पर आ गया। और मेरा जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरा वीज़ा लग गया, मतलब 3-4 महीने बाद मेरा वीज़ा, 5 महीने बाद मेरा वीज़ा लगा दिया गया। 2 साल के भी हों, 3 साल के भी हों, तब भी दुबई आ सकते हैं, कहीं भी हर कंट्री में जा सकते हैं। आपका पासपोर्ट रहता है मगर बच्चों वाला सिर्फ घूमने का रहता है, तो आप घूमने के सिलसिले से आप लोग जा सकते हैं। और काम के लिए तो आप लोग की 18 साल उम्र होनी चाहिए, हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग रूल्स रहते हैं। तो ये हो गया वहाँ से आने का, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पर दुबई में, यूएई में आने का कितना साल उम्र होना चाहिए, काम का कितना होना चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मिनिमम कितने उम्र होनी चाहिए, मतलब कि कितने साल तक आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो लास्ट जो गवर्नमेंट का है यहाँ पर 65 है, वेबसाइट में मैंने देखा 65, मतलब 65 साल के बाद वीज़ा नहीं लगाते। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा लगाए ना लगाए, जैसा काम रहता है उसी हिसाब से कंपनी वीज़ा लगाते। लोग जो हैं 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, 75 साल की उम्र में भी दुबई में रह रहे हैं, जिसके आप जिसका बिजनेस है अच्छा खासा वो यहाँ रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, या खुद का बिजनेस हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कितने लोग कहते हैं कि मेरी उम्र, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में बोलते हैं मेरी उम्र 25 साल हो गई, 35 साल हो गई है, तो जो एजेंट लोग उन लोग से कहते हैं कि आपका वीज़ा लगने में ज़्यादा पैसा लगेगा या आप टिकट में ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, सेम पैसा लगेगा जितना 18 साल वाले की उम्र में लगता है उतना आपकी, जितने 35 साल हो गए, 40 साल हो गया, उतना ही पैसा उसके में भी लगेगा। जो है एजेंट सिर्फ लूटने के लिए आप लोग को ऐसा बताते हैं, तो आप लोग उन लोग से बच। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी ज़रा से भी जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए वो दूसरे भी देख सकें, उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके जो आ रहे हैं दुबई। मेरे को भी देखो 2 साल हुआ है, मैं भी नए हूँ दुबई में, यहाँ पर कितने लोग हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोग की भी लाइफ कैसी है जो भी मैं दिखाऊँगा। एक लोग हैं जो 25 साल से यहाँ पर हैं, उनका मैं वीडियो आप लोग को बनाकर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।